सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। छात्राओं द्वारा और समस्त टीचरों द्वारा राज का भ्रमण किया है। राज के भ्रमण के दौरान कहाँ कहाँ जागरूकता आपने अभियान चलाया? हम अपने विद्यालय से चरखारी रोड से निकल करके और पड़ाव होकर के लक्ष्मीबाई गेट से कोट बाजार होते हुए नगायत चौराहे से बुधौलियाना से यहाँ विद्यालय के लिए मेन सड़क से अपने मेन रोड से विद्यालय आए हैं और बालिकाओं द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि महिला मतदान तो बिल्कुल छोड़े ही ना, मतदाता आगे आए और 100% वोट करें। मैम, इस बार आपको क्या उम्मीद है कि महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कम रहेगा या ज्यादा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और अब तो मतदान का जो बूथ बन रहा है उस पे एक सेल्फी पॉइंट है, जो मतदाता मतदान करेगी वो अपनी सेल्फी लेकर के उसमें फीड कर अपलोड करेगी और जो क्षेत्र अपना आगे होगा, सबसे ज्यादा मतदान होगा, वो उसको डीएम साहब ने कहा है कि हम उसको पुरस्कृत करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी गौरव की बात है। बिल्कुल, चलिए मैम हमसे जुड़ने। जानना चाहते हैं हम कि जैसे कुछ मतदाता बहुत दूर हैं, मतलब घर से बाहर हैं या कुछ है अस्पताल में है बीमारी के कारण, तो उनके लिए सरकार द्वारा क्या कुछ खास इंतजाम करना चाहिए? क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई सुझाव है? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। जो मतदाता बाहर हैं या जिनकी जो है जो बीमार हैं तो उनकी ऑनलाइन व्यवस्था होना चाहिए ताकि जो है प्रत्येक मतदाता अपना वोट कर सके जो भारत का नागरिक है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।